कि गाना होता है शुरू और ध्यान इस पे दीजिए, हाथ जोड़ विनती करूं और मेरी नमस्ते लीजिए। दूरदराज से आए हुए सभी जिगरी के शौकीन श्रोताओं को लुड़कन सिंह सिंसरवार फौजदार की तरफ से हाथ जोड़ करके नमामी नमस्कार। राम राम साहब, ए राम राम तो ले लियो, पर ये के लाली नहीं राम राम में, हमारी राम राम में बहुत चक्कर हुए। महान कवियों ने लिख लिया के भावना में भावना, अरे भावना में भावना, जे भावना बेकार है और भाव से प्रभु को भजे तो भव से बेड़ा पार। ये यूपी राजस्थान कंपटीशन भजन जिकड़ी दंगल अभी अभी हमारी बहन जी गा रही थी सुनीता यूपी 85, और ये आपके सामने राजस्थान की बात होगी और कवि राज्य लिख रहे हैं, वो क्या लिख रहे हैं मास्टर का भाई। लागी लागी सब कहे और लागी बुरी बला, लागी तो भाई जानियो जो आर पार है। क्या बात है भैया, विध्वंस होता वो कहिए एक बार गलती करे उसे नादान कहते हैं, एक बार गलती करे उसे नादान कहते हैं, दूसरी बार गलती करे उसे हैवान कहते हैं, बार बार गलती करे उसे पाकिस्तान कहते हैं, और लाली हर गलती को माफ करे उसे राजस्थान। क्या बात है, आइए कभी राजी लिख रहे हैं, वो क्या लिख रहे हैं। अरे पाक जाओ चाहे श्रीलंका, वीजा का बंधन है, लाली यूं कह रही कि इतनी हमारी चाची पैसा दे रही है, इतनी हमारी अम्मा पैसा दे रही है। अरे बेटा पैसा ले वो तो पावे ही नहीं, ने कबुआ जी जी कह देती सबरो काम मन जाता, परंतु कभी राजी लिख रहे वो क्या। अरे पाक जाओ चाहे श्रीलंका, बीजा का बंधन है और बिन बीजा के मारुति नंदन और अभिनंदन है, पर एक तो पूछ वाला है दूसरा मूछ वाला है। और एक से एक रुपए का पुरस्कार हमारे भाई राजू जी की तरफ से आ रहे, ठेकेदार जी की तरफ से, और ये एक से एक रुपए का पुरस्कार श्रीमान संदीप परमार जी दे रहे हमारे लिए। अरे पाक जाओ चाहे श्रीलंका भी जाका, अरे पाक जाओ चाहे श्रीलंका भी जाका बंधन है, अरे पाक जाओ चाहे श्रीलंका भी जाका बंधन है, और बिन बीजा गए मारुति नंदन और अभिनंदन है। एक तो पूछ वाला है दूसरा मूछ वाला है। और ये 51 रुपए का पुरस्कार हमारे डॉक्टर साहब की तरफ से, और भैया जी चाचा जी पूछ वाला कौन है और मूछ वाला कौन है। और ये 51 रुपए का पुरस्कार श्रीमान रामेश्वर जी देते हैं हमारे लिए। हनुमान ने लंका जलाई, चाचा जी वाद वेद से योगी, हनुमान ने लंका जलाई। और ये 51 रुपए का पुरस्कार है जी श्रीमान बाहूलाल जी झिलरा वाले दे रहे हमारे लिए। और ये 51 रुपए का पुरस्कार श्रीमान
जी हमारे लिए दे रहे और ये 51 रुपए का पुरस्कार लदपुरा वाले हमारे लिए टीम दे रही है और कबीरा जी लिख रहे हैं अरे हनुमान नहलंक जराई जराई 1 रुपए का पुरस्कार श्रीमान महावीर सिंह जी दे रहे हनुमान नहलंक जराई राम भक्त के प्यार ये अभिनंदन ने अभिनंदन ने अभिनंदन ने पाकिस्तान में बोले हिंद के और ये 51 रुपए का पुरस्कार भाई साहब की तरफ से और देख लो लाली का तो हाला नामन ने बताए रे और ये 1 रुपए का पुरस्कार हमारी भाई भाई साहब की तरफ से भारत देश से है वीरों का मास्टर जी अरे भारत देश से है वीरों का 1 रुपए का पुरस्कार एंदी श्रीमान बोलू जी खेंदूपुरा वाले दे रहे हमारे लिए रामवीर भैया अरे भारत का देश से है वीरों का भी रोशन भी होगा ना होएगो ये कबनरिया रूठ जाए वृंदावन सुनो ये कबनरिया रूठ जाए वृंदावन सुनो ना होएगो और ये 51 रुपए का पुरस्कार है जी श्रीमान कालू ठेकेदार जी और 51 रुपए का पुरस्कार श्रीमान लदपुरा की टीम दे रही हमारे लिए जन पूछ भुजाई लई पानी में रामवीर भैया अभी अभी गा रहे थे श्रीमान जिकड़ी के सुपरस्टार गायक भाई तेज सिंह मां साहब कुशवा जी पर हमारी भी क्या बात है जन पूछ भुजाई लई पानी में और 1 रुपए का पुरस्कार है जी श्रीमान दिनेश जी परमाल जी दे रहे जन पूछ भुजाई लई पानी में जन जान बचाई लई पानी में और 1 रुपए का पुरस्कार श्रीमान जी की तरफ से क्या लिख दिया अरे दोनों योद्धा बने भालक के देखो चंदन है मास्टर जी अरे दोनों योद्धा बने भालक के देखो चंदन है एक दो एक दो एक दो पूछ वाला है दूसरा पूछ वाला है एक दो पूछ वाला है दूसरा पूछ वाला है विद्वान श्रोताओ समय कम है काम बहुत ज्यादा है इसलिए आप अपने ध्यान को लगाइए प्रसंग की ओर राम भक्त भाई तुलसी बाबा गाना बजाना कोई जादूगर का खेल नहीं गई 1 रुपए का 2 रुपए बना दू कोई तो गावे हंसी की कोई गावे रसाई के कोई गावे कूद के पर रही चिकड़ी वाली बात चाहे तो जगह भैया गायबे में आ जाएंगे चाहे लड़बे में आ जाएंगे सुबह तक क्या बात है चाचा जी जब बात चल रही है और हमारे श्रीमान संचालक जी कह रहे थे कि 11,000 रुपया लगते हैं गायबे के ना लड़बे के होंगे भी मास्टर जी राम भक्त भाई तुलसी बाबा सबने सुनी कहानी है और रामायण की रचना कर गए लीला बहुत कैसे जोग लिया तुलसी ने तुमको सत्य बताऊं और मेरे बाबा तुलसी की कथा आइए बड़े प्रेम से सुनिए और कबीरा जी क्या लिख रहे गायक बंधु कह रहे थे कि मेरी नई कथा है जब महाभारत रामायण में कथा ही ना है पूरे जिले में जिलेरो गांव ही ना है तभी जिलेरो आए कहते जाएगा गौर करे मेरी बात पर कथा क्या कह रही है मासा अरे जमुना तीर बसे कुखेरो हो जमुना तीर बसे कुखेरो और राजा पूरा बदलायो है विप्र वंश में पैदा है गयो तुलसी राम धराय
आपके जाने पहचाने देश विदेशों में नाम है। रोहतास पंडित जी जनूथड़ भरपुर राजस्थान से ढोलक पर संगति दे रहे हैं। ज्वाला प्रसाद जी के परम शिष्य भाई रामवीर जी तूफानी नक्षवाला दीग भरपुर राजस्थान पैर की झनकार दिखा रहे हैं। भाई वीरेंद्र जी रोनीजा भरपुर राजस्थान और मंच का संचालक कर रहे श्रीमान संजीव परमाल जी भरपुर राजस्थान और आपके सामने जिगरी का छोटा सा गायक लुड़कन सिंह राजस्थानी। आइए सुनिएगा कबीरा जी क्या लिख रहे हैं। अरे सुरगलुआ तकी कत्ती पे बैठो
शगुंडन का गुंडा चो और ब्रह्मा जी के दाढ़ी मूछ है और जे अब मूछ गुंडा समय के अनुसार गाना। हमारी कथा चल रही थी रत्नावली और तुलसीदास, और देखिए मैं तो मनोरंजन से भरपूर गाने वाला हूं। कोई संगीत सुनावे, कोई रोए की सुनावे, कोई कैसी सुनावे, मैं तो देखो साहब एक हस्त कलाकार हूं। जो संचालक जी बता रहे थे ऐसी पार्वती भैया भोले बाबा क्या कह रही है, मेरे जीवन भी तेगो तुम्हारे द्वार पे आज तक आपने कोई पुण्य का कार्य नहीं किया, प्रभु मेरे कहते को छोटो सो काम कर दियो। तो भोले बाबा कह रहे पार्वती बोल क्या करवाना चाहती है। तो भैया जी भोले बाबा से पार्वती माँ क्या कह रही है माता, अरे भोला ये छोटी सी कथा कराए दे कराए दे कराए दे कराए दे, अरे भोला ये का छोटी सी कथा करा दे जम लड़ू अनकून तिजमा दे। हसी खुशी से पार्वती ने भोजन इन्हें करायो है, पार्वती मैया भोजन कराए रही है। पर भोले बाबा कह रहे पार्वती अभी तेरा भोजन अधूरा है, तो महाराज पूरो कैसे होगो। बोल पार्वती दक्षिणा में क्या देना है, दक्षिणा देने के बाद भोजन पूरा होता है, तो पार्वती मैया दक्षिणा में क्या दिलवा रही है माता। जो
चुना रोज तो मार रो, पर समय के अनुसार बोले बाबा ने क्या किया, जिन रडुआ तो तू भन्नाई करी एक अंगई बनाए दई बैयरी बैयरी और दूसरे अंगो बनाए दो मान बनाए दो मान। अब ये रडुआ पे जा रे ओ छो रडुआ मां के बह जाए काए, बे गांव में गोड़े मैसेज ने चढ़ा रे, बे बोले न्यू बताए फलाने ये बैयरे कहां से लायो, न्यू ना बेट पूछी का बेटा हरे मुखा तू जिंदा कैसे आगा, वो बोलो का तुम ना जानता, बोले बाबा जोर बड़ो जादू है भाई का हमने तो दुआ फार करी भाई, हां ये कंगई बनाए दई बैयर तू संग बनाए दो मान, इतने का सुन के तो मैं लड़ुआ बोले बाबा जोर पहुंच गए भाई सुन ले बोले बाबा, बिना में तो करी दुआ फार हमने तो करता चार फार, तीन बना दे भैयर भैयर और एक बना दे मांस मांस। बोले बाबा ने भी कह दिया नो चांस, जो ऑफर निकला था नो चांस, जो ऑफर निकलो गाओ बाको समय पूरो है गो, कैसे मास्टर तू बन जा बलम सपियर आ जाएगी। बोले बाबा कह रहे भाई ऑफर तो निकल रो पर निकल रो भर हुए भाई, बोले बाबा बता दे भाई जंगल तू जाओ जाए जा गाँव की हड्डी मिल जाए भाई, हड्डी ले और भैया ले चले जाओ, ए रडुआ छूट गए से बहुत खरन में जाए, भैंस की हड्डी मिल गई पूरा भैंस का मुंह धल्ला मुंह पे बाबा हमने कहा जी भैया दे दे, भोले बाबा ने वही प्रकार ही मोटी दादी भैया दे दई जी गया सुगर यही हड्डी मिल गई, तुम जानते हो सुगर हड्डी भैया कैसी होती है, चाहे काम रही यारी फट रही है चाहे मुंह में चूहा पड़ रही पर धोवती ने टकी मांग रही है, कभी राजी क्या लिख रहे मां तो गयो